हम आ गए तीन तलवार पे और ये हिलाल एम्बर और यहाँ पर बहुत सारी लेबोरेटरीज़ हैं, मेन मरकज़ है ये, तो यहाँ से अल्ट्रासाउंड वगैरह होगा। तो जी हम अभी हैं यहाँ पर और ऑर्डर किया अपना ब्रॉडवे, क्योंकि घर पे ले जा रहा था, मैं सोचा क्यों ना बाहर खा लिया जाए। इसके साथ साथ वकार की कुछ शादी की डेट फिक्स करने की बातें चल रही हैं अभी इंशाल्लाह। देखिए डेट फिक्स का मकसद ये है कि कोई एक मेन जो है ना एक डेट हो जाती है, जैसे कि आप हमें मशवरा दीजिए छोटा मोटा कि भाई इस में ओकेजन पे माने या साड़ी पहननी चाहिए या कुछ और वेयर करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैर से, अल्हम्दुलिल्लाह भी खैर से। तो आज की सुबह का आगाज़ माशाल्लाह सुबह सुबह हो चुका है, क्योंकि अलीश भाई की खाला और उनके बच्ची को लेके जाना है मुझे तीन तलवार से उनको कुछ टेस्ट वगैरह करने डॉक्टर ने, क्योंकि चेक करना है उनको कि अभी क्या इशू है, फीवर क्यों होता है और कोई के इन्फेक्शन वगैरह तो ना होगा, तो ये उन्होंने चेक करना है। तो लेट्स सी, अभी कुछ टेस्ट कराने हैं तीन तलवार से और कुछ डॉक्टर ने इसलिए टेस्ट के लिए क्योंकि जाहिर सी बात है काफ़ी दिनों से उनको भी फीवर है और वो उतर नहीं रहा यार, फीवर ये इस तरह है क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे आसपास के लोग काफ़ी बीमार पड़ रहे हैं। ये मौसमी यहाँ पर हर जगह होता है, जैसे कि इंडिया से भी काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि वहाँ भी ये मौसमी चल रहा है और इवन के यूरोप में भी शायद होता होगा, आई डोंट नो, शायद हो ना हो, लेकिन यहाँ और इंडिया में लाजमी है क्योंकि वहाँ से भी सुनने को मिला है। खैर एनीवे चलते हैं टेस्ट करते हैं उनका। चलिए यही लास्ट था, घर वालों ने रेडी करके रख दिया था, तो अभी ये मेरी चाय बनी हुई है, वापसी आके पीऊँगा क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ। मुझे सुबह सुबह 5 बजे जाना था, आँख नहीं खुली, अभी आँख खुली तो 6:30 हो रहे हैं सुबह के। तो अलिजबा की खाला कर उनकी खाला की बेटी को लेके जाना है हॉस्पिटल, क्योंकि उन्होंने कोई टेस्ट वगैरह कराने थे, तो जल्दी जाना था। सर उनकी कॉलें आ रही हैं अभी। हम आ गए तीन तलवार पर और ये हिलाल एम्बर और यहाँ पर बहुत सारी लेबोरेटरीज़ हैं, मेन मरकज़ है ये, तो यहाँ से अल्ट्रासाउंड वगैरह होगा। तो अभी इनकी खाला को और इनकी बेटी को अंदर बिठाया गया था, तो उन्होंने कहा कि भाई पर्चियाँ जो है ख़त्म हो गई, 6 बजे तक मिलती हैं। तो मैंने गया थोड़ा भाई से बात की, मैंने कहा यार देखें इस तरह का इशू है, कोई रिपोर्ट वगैरह करानी है तो आज टेस्ट सारे आ जाएंगे तो मेहरबानी कर दें, कुछ चाय पानी का सिस्टम हम कर देंगे। तो पर्ची तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दे रहे हैं और डॉक्टर से भी चेक करा देंगे, खैर अल्लाह करे जल्दी नंबर आ जाए। तो फिलहाल उनका काम तो हो गया, अभी इनको ड्रॉप किया है और हम निकलते घर वापसी वो रक्षा करा के आ जाएंगे। तो चलें, ना होने से वापसी जाने से बेहतर उनका काम हो गया, तो अभी हम जा रहे हैं घर। सो गाइस अभी जो नहा धो के रेडी शेडी तो हो गए हैं, तो घर का काम भी सब कर लिया और अभी बर्तन धो से रहते थे वो मेरे हस्बैंड ने धो दिए, अभी मैं जा रही हूँ उनके लिए चाय बनाने, वो नमाज पढ़ रहे हैं, वो भी रेडी हो गए हैं, तो अभी वो जाएंगे, जो उनका काम होगा वो करेंगे, तो अभी मैं जा रही हूँ उनके लिए चाय बनाने और वो भी आपको दिखाते हैं। बस यहाँ पे देखे ये उनको धोना नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा ये ना धोएं आप, कोई भी ना धोए, पर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये वाला सारे उन्होंने धो के रख दिया। तो अभी गैस तो बिल्कुल नहीं है, आज मैंने इस पे पराठे बनाए, तो अभी इस पे चाय भी बनाते हैं, देखते हैं। पराठे तो अच्छे बने थे, अभी चाय बना दी, मेरे हस्बैंड को चाय की तलब लगी है। तो जब अभी छत पर आए थे और छत पर आने के बाद जो है ना, पहले तो सबसे पहले ये मैंने डिस सही किया क्योंकि थोड़ा सा हिल गया था, यहाँ पर चील बैठी थी तो ये हिल गया, अभी हमने सेट करके रख दिया, अभी चल रहा है। फिर सुबह सुबह जब मैं आया था उसको देखने के लिए तो चील बैठी हुई थी पर, तो ये तो चलता रहता है। तो अब आपको सेट करना आ जाए तो फिर आपकी आसानी है, मैंने इसका लोकेशन सेलेक्ट कर ली थी, तो लोकेशन तो मैंने इसको ब्लॉक वगैरह रख के सेट कर दिया। तो अभी डिश सेट किया, इसके बाद अभी नहा के फ्रेश होकर ऊपर आए छत पर, नाश्ता वगैरह सुबह कर चुके थे, अलबा की जो खाला की बेटी थी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इस वजह से वहाँ पर उनको अल्ट्रासाउंड और टेस्ट लिख के दिए थे, तो वहाँ उनको सुबह सुबह छोड़ के आए थे। अभी तैयारी करते हैं, ऑफ़िस के लिए निकलते हैं थोड़ा और ऑफ़िस जाते हैं, तो मेरे पास अभी तकरीबन 2 घंटे है, तो थोड़ा सा नीचे बैठ के एक बंदे से मिलना भी है, चाय भी पीनी है, थोड़ा डिस्कस भी करना है और बिल्डिंग के हवाले से ठेकेदार से भी बात करनी है। तो अभी मैं जाना है, चाय के होटल बैठते हैं, कुछ चाय शाय पीते हैं, गपशप लगाते हैं, फिर निकलते हैं ऑफ़िस के लिए। चले जी ऑफ़िस के लिए निकल गए हम और अभी पहुँचे वहीं पर, लेकिन ये है कि चलो ये अच्छी बात है, आप छाँव में शाम में पहुंच जाते हैं, तो अभी डायरेक्ट निकलते हैं वहाँ पर क्योंकि मैंने कुछ सामान लिया था, वो घर ड्रॉप करने जा रहा हूँ, तो वहाँ से डायरेक्ट निकल जाऊँगा ऑफिस के लिए। ड्रॉप करने के बाद बच्चे के हैंडओवर करते हैं, ऊपर भेजते हैं ताकि वो अलीशबा के पहुँचा दे।
ऑफिस से फ्री होके आए हैं, वापसी पे सोचा है कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं क्योंकि घर में आपको पता है यूजुअल गैस होती नहीं। कल इंशाल्लाह ना मैं सिलेंडर भी भरवा के रखूँगा। अभी चलते हैं रिलायबल, वहाँ से जाके अपने लिए सैंडविच लेते हैं और रिजवा शायद जिंगर खाए, वकार खाना खा के आया और अम्मी ने भी खाना खाया हुआ है। तो अभी पहले अपना ऑर्डर लेते हैं क्योंकि भूख लगी शदीद और अभी घर में सालन था लेकिन रोटी नहीं थी तो इसलिए मजबूरन लेना पड़ रहा है। तो अभी लेके चलते हैं घर, रिजवा भी वेट करिए, उनको भी भूख लगी हुई है। हम अभी आए हैं यहाँ पर और ऑर्डर किया अपना ब्रॉडवे क्योंकि घर पर ले जा रहा था, मैं सोचा क्यों ना बाहर खा लिया जाए। तो मैंने रिजवा को फ़ोन किया था, वो नीचे रेडी हो गया अभी और अभी हमने ऑर्डर किया, माशाल्लाह से हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। और मेरा और रिजवा की फेवरेट जगह ये, अक्सर मैं एक्चुअली ब्रॉडवे को 6-7 सालों से रिजवा खा रहा हूँ ब्रॉडवे, उससे भी कई ज़्यादा, लॉकडाउन नहीं था लॉकडाउन 2019 उससे भी पहले ब्रॉडवे में ट्राई करूँ खा रहा हूँ। तो मेरी फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट प्लेस ये है। आपको पहले मुझे लगता है पिज़्ज़ा का इतना आदत नहीं है ना, सिर्फ जिंगर है ना। चले यार ट्राई करते, देखते हैं इनका रिव्यू कैसा है। माशाल्लाह सुबह सुबह आज फर्ज भी सारा ठंडा हो रहा है और हल्का फुल्का ठंड हो रही है यहाँ पर माशाल्लाह से, लेकिन बनिस्बत पंजाब के यहाँ बहुत कम ही ठंड है। सूरज भी अभी अभी देखें सूरज भी निकला हुआ है लेकिन फिर भी ठंड है और फर्श पूरा ठंडा हो रहा है माशाल्लाह से क्योंकि मार्बल है ना छत पे। तो खैर एनीवे अभी उठें नाश्ता से करते हैं और ब्रेड थोड़ी देर में देते हैं आपको। तो जी अभी वकार उठाए और अलीफा को भी उठा दिया कि भाई नाश्ता बनाएं, तो मैंने कहा मैं खुद कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं, हाफ फ्राई बनाना है और ब्रेड देनी होती उसको, लेकिन अलीफा ने रोका है, बोला मैं खुद बनाऊँगी। तो अभी अलीफा आ रही है, जब तक अपना जो है ना हाफ फ्राई बनाते हैं उसके बाद आज डेफिनेटली मैं इसको साफ करूँगा क्योंकि मैं फंस जाता हूँ कामों में, मदद चाहता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से कह रहा लेकिन मैं फंस जाता हूँ कामों में। और अलीफा से मैं खुद नहीं कह रहा क्योंकि मैंने इसको रोका, मैंने कहा ये आपसे नहीं होगा क्योंकि ये थोड़ा सा जल के चाय ना जम गई है, तो ये मैं खुद करूँगा। तो ये आज डेफिनेटली इंशाल्लाह करूँगा, ठीक है, इसके बारे में मदद करता हूँ। खैर अभी रिजवा भी आ रही है वॉशरूम के फ्रेश होने के लिए, तो अपना जो है ना जब तक अंडा बनाते हैं और वकार के लिए भी कुछ बना लेते हैं। तो आ गए माशाल्लाह से, आते ही मुझे अपनी जिम्मेदारी से हटा दिया है। तो अब वो जो बना रही हैं हाफ फ्राई, अभी भी माशाल्लाह उठी हैं हमारा जो है ना महारानी साहिबा, खैर अभी भी नींद में लग रही है। तो खैर मेरा नाश्ता करते हैं और आज जुम्मे का मुबारक दिन है। दोनों भाइयों का ब्रेकफास्ट जो है रेडी है, ब्रेकफास्ट करते हैं क्योंकि ब्रेड ही खाना ज़रूरी है भाई, पराठे पराठे रोज पराठे नहीं भाई, पराठे नहीं, पराठे से मैं अवॉइड कर रहा हूँ आज। तो आज जो है हमारी टोस्ट की तैयारी है, ये वकार का नाश्ता बनाइए हमारा, साथ में चाय भी अलीजबा बना रही है और अभी अलीजबा अपने खाले ख़ुद कुछ खाएंगी बना लेंगी। तो अभी हम जाने लगे अपने वकार से पूछते हैं कि वो अगर रेडी हो गया तो उसको नाश्ता देते हैं। जी नए आने वालों को वेलकम करते हैं और खुश आमदीद, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और इसके साथ साथ मैं आपसे एक बात और शेयर करने लगा था और वो ये बात थी कि अभी इंशाल्लाह ताला अम्मी से मेरी कल रात को बात हो रही थी, तो कुछ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कुछ बात चल रही थी हेल्थ सी कि वो क्या रिजल्ट आता है। इसके साथ साथ वकार की कुछ शादी की डेट फिक्स करने की बातें चल रही हैं अभी इंशाल्लाह। देखिए डेट फिक्स का मकसद ये है कि कोई एक मेन जो है ना एक डेट हो जाती है 2025-28, कोई एक डेट पॉसिबली जो है ना फिक्स हो जाती है, तो उसमें पता चलता है इंसान को भाई इस डेट को ये है। अभी फिलहाल वो अभी डिस्कस हो रहा है इंशाल्लाह, वो भी आपको बता देंगे क्योंकि कमेंट्स में मेरे पास आ रहे थे कि भाई डेट क्या है शादी फिक्स होगी। तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग जो है इस बारे में बता रहे हैं कि दिसंबर की वो आगा और सितंबर में वहाँ होगा, जनवरी में वहाँ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। इसके लिए ख़ास जो है ना आपको बता दीजिएगा डेट्स, आपको पता है हम हैं, वकार भाई है, सिताराबाजी वाले भी हैं, तो कोई भी डेट अनाउंस करेगा बता देगा भाई ये डेट फिक्स हो गया इंशाल्लाह इस तारीख से ये अब शुरू होने लगा। साथ साथ अलीजबा ने आपसे कुछ सवाल करना था, अलीजबा का सवाल था कि अलीजबा तो खुद तो शर्माएंगी मैं बताता हूँ। देखें आप हमें मशवरा दीजिए छोटा मोटा कि भाई इस में ओकेजन्स पे अलीजबा ने या साड़ी पहननी चाहिए या कुछ और वेयर करना चाहिए, क्योंकि कुछ एक आइडिया आया अलीजबा ने कहा मैं इस बार ना कुछ साड़ी वगैरह एयर करने का सोच रही हूँ, ऐसा ही है साड़ी के साथ साथ। और दूसरा ऑप्शन क्या दे रही हैं आप ऑडियंस को? फ्रॉक, ठीक है, ये दो चीज़ें आप मशवरा दीजिए, ठीक है। और मुझे आपने मस्टर्ड कलर का बताया था, मस्टर्ड कलर थोड़ा सा ना डिफरेंट हो जाएगा थीम से, मस्टर्ड कलर का भी सूट मैं इंशाल्लाह लूँगा लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना थोड़ा थीम से डिफरेंट हो जाएगा। तो मुझे भी बताइए कि मैं किस तरह के सूट जो है ना अभी सोच रहा हूँ इस बारे में। मैंने नेवी ब्लू अपना आइडिया रखा हुआ था और आपको माइंड में कुछ है तो मेरे लिए बता दें भाई कौन से कलर का होना चाहिए, पता नहीं। तो हमें बस आपसे यही मशवरा चाहिए, अपने यूट्यूब फैमिली से ये बताएंगे हमें कि हमें क्या वेयर करना चाहिए इंशाल्लाह
और मुझे उम्मीद है कि अच्छे मशवरे ज़रूर आएंगे, और कभी इंसान को मशवरा दूसरे से ले लेना चाहिए, तो मैं आप पे ये छोड़ता हूँ। एनीवे उम्मीद करते हैं आपको हमारा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर। इसके साथ साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।